मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र मधुपुर के बैंगरा गांव के पास साहरर घाट दरभंगा स्टेट हाईवे 75 पर बाइक से गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मधुपुर प्रखंड के साहर घाट दरभंगा स्टेट हाईवे 75 पर साहर घाट थाना क्षेत्र के बैंगरा गांव के पास एक महिला चलती बाइक से नीचे सड़क पर गिर गई, जिससे महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान मधुपुर थाना के रामपुर निवासी श्याम मिश्र और पप्पू की 46 वर्षीय पत्नी अर्चना देवी के रूप में की गई है। घटना की खबर सुनते ही परिवार व गांव में कोहराम मच गया, घर में चीख पुकार मच गई। घटना शनिवार की सुबह करीब 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका दरभंगा जिले के मिर्जापुर स्थित अपने मायके से अपने भाई नवीन झा के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर रामपुर जा रही थी, जहां बैंगरा गांव के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और महिला बाइक से फिसल कर नीचे सड़क पर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे साहर घाट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने उसकी स्थिति नाजुक देखकर उसका प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर इलाज के लिए DMCH दरभंगा के लिए रेफर कर दिया, जहाँ इलाज के लिए दरभंगा ले जाने के दौरान रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। दरभंगा पहुंचने पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद महिला के शव को रामपुर गांव लाया गया, जहां महिला की मौत की खबर सुनते ही परिवार और गांव में कोहराम मच गया। घर पर गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतका के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री शामिल है। मृतका का बड़ा पुत्र हैदराबाद में रहकर IIT की तैयारी कर रहा है और छोटा पुत्र कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। वहीं उसकी पुत्री BCOM फाइनल वर्ष की छात्रा है। मृतका का शव घर पहुंचते ही पुत्री दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उधर परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। मधुपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट।